पूर्णिया के एक बुजुर्ग के प्रेम की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस कहानी के नायक पति है जिनकी पत्नी के गुजरे सालों हो गए हैं, लेकिन वो अपनी पत्नी से किए वायदे को निभाने के लिए उनकी अस्थियों को पिछले 27 सालों से अभी तक संजो कर रखे हुए हैं। 87 साल के भोलानाथ आलोक की पत्नी के स्वर्गवास हुए सालों बीत गए हैं, लेकिन पूर्णिया के बुजुर्ग भोलानाथ आलोक अपनी पत्नी की अस्थियों को अपने घर के बगीचे में 27 सालों से सुरक्षित रखे हुए हैं। पेड़ की टहनी से टंगी ये पोटली भोलानाथ जी की स्वर्गीय पत्नी पद्मा रानी की है, जो उनके प्रेम का प्रमाण है। भोलानाथ आलोक कहते हैं कि उनकी बचपन में ही शादी हो गई थी और उनकी पत्नी काफी सीधी स्वभाव व सरल हृदय की थी। हम दोनों ने तब कसम खाई थी कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लेकिन ये नहीं हो सका। इसीलिए मरते वक्त उनकी हड्डियों से मेरी हड्डी जरूर मिल जाए, इसलिए हमने अपनी अंतिम यात्रा में पत्नी की अस्थियों को उसी वादे को पूरा करने के लिए रखा है। भोलानाथ आलोक ने बताया कि उन्होंने अपने बच्चों को कह रखा है कि मेरी अंतिम यात्रा में पत्नी की अस्थियों की पोटली मेरी छाती पर लगाकर ही मेरा देह संस्कार हो। भोलानाथ जी अपनी पत्नी के प्रेम समर्पण और उनकी स्वाभाविक सरलता को याद कर सुबकने लग जाते हैं। बचपन में ही हम दोनों की शादी हुई थी। उनका नाम पद्मा रानी था। बहुत ही प्यार से मैं उन्हें मालकिन कहा करता था। वो मेरे दिल की मालकिन थी। हम लोग जब थोड़ा बड़ा हुए तो कसम खाई कि हम दोनों एक साथ जी रहे हैं तो एक ही साथ मरेंगे। लेकिन मेरा दुर्भाग्य आईडी पर की वो मुझसे बहुत पहले गुजर गई। 27 साल पहले वो गुजर गई। 42 वर्षों की हमने एक साथ जिंदगी जी, सुख दुख भोगे, बच्चों की परवरिश की। इसीलिए जब वो गुजरी पर की दाह संस्कार हुआ तो उनकी अस्थियां मैंने इकट्ठी की और 27 साल से आपने देखा होगा कि आम के पेड़ पर नीचे तुलसी के पौधा लगाए हुए हैं और वो सुरक्षित। मैंने बच्चों को कह दिया कि जब मैं मरूं तो मेरी सब यात्रा में, मेरी अर्थी में मेरे सीने पर वह अस्थियां रख देना और ढोल नगाड़े बजाते हुए मुझे ले जाना कप्तानपुर, कि जैसे हमारी और उनकी आज भी शादी हुई है। मैं रोज सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करने के बाद उनसे माफी मांगता हूँ कि मैं उनके साथ मर नहीं सका, और जाने अनजाने में अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो उनसे क्षमा याचना करता हूँ अहर्निश, हर रोज सुबह और शाम। भोलानाथ आलोक के दामाद का कहना है कि ये उनके अटूट प्रेम को दर्शाता है, जो कहीं ना कहीं एक सुखद अनुभूति भी प्रदान करता है और समाज में बिखरते और टूटते रिश्तों को एक नसीहत भी दे रहा है। खोलने का प्रयास नहीं करते हैं, उसी में कवर दे के उसको फिर बांध देते हैं, जो पानी के समय बरसात हो या कुछ हो तो उस समय गिरे नहीं, बिखरे नहीं, टूटे नहीं। बहुत अच्छा अनुभव होता है और इससे पता चलता है कि बाबूजी और माँ में कितना प्यार था, ये आभास होता है। मेरा तो अपना यही मानना है कि यह अटूट प्रेम की निशानी है और इस पर हम कोई भी अपनी विचार नहीं व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए कि वो पूरे समर्पण की भावना से उसको लेके रखे हुए हैं।